नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। जब सिस्टम को चला रहे लोगों के बस का कुछ नहीं है तो फिर इनको जनता अपने पैसे पर क्यों पाले। खबरदार में आज विश्लेषण हमारे शहरों के उस सिस्टम की जो एक बारिश से लड़ नहीं पाता। लड़ना तो दूर, एक तरह से सरेंडर कर देता है। जवाबदेही तय नहीं होती, ढिलाई और बेफिक्री की इंतहा है। ये क्रूर लोग हैं जिनके लिए आम नागरिकों की मौत बहुत सस्ती है। मंगलवार को मुंबई में हुई बारिश में सिस्टम की क्रूरता की जो कहानियां सामने आई वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मुंबई में आज उस हादसे की बात जिसमें 21 लोगों की जान चली गई। मंगलवार को हुई बारिश के दो दिन बाद आज दक्षिण मुंबई के इलाके में एक बिल्डिंग ढह गई। ये बिल्डिंग 100 साल से ज्यादा पुरानी थी। हालत यह है कि बिल्डिंग को खाली कराने का नोटिस 6 साल पहले आ चुका था। इस बिल्डिंग को गिराने के लिए पिछले साल फाइनल अप्रूवल मिल गया था, फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया। न सिस्टम ने ध्यान देने की जरूरत समझी, न बिल्डिंग की जिम्मेदारी उठाने वालों ने, न ही उसमें रह रहे लोगों ने कोई कदम उठाया। ऐसा लग रहा है जैसे सब हादसे का इंतजार कर रहे थे। धुआं ही धुआं दिखा। हम लोग भागे, क्या हुआ, मसला क्या है, आगे जाके यहाँ पर देखे तो पूरी बिल्डिंग ऐसी बैठ गई। जर्जर हो चुकी थी, इसका प्रपोजल भी तैयार है, कुछ लोगों ने खाली किए, कुछ लोग रहते थे। वेरी डेंजरस एंड वी ऑल आर आल्सो इन रिस्क, लाइक पता नहीं व्हाट इज गोना हैपन ऑफ आवर्स आल्सो नाउ। मुंबई शंघाई तो नहीं बन सकी, ध्वस्त हो चुके उस सिस्टम का एक मलबा जरूर बन गई। जिस सिस्टम में ना तो आम लोगों की जिंदगी की परवाह की जाती है, ना ही कोई जवाबदेही की जरूरत समझी जाती है। दक्षिण मुंबई का जे इलाका या फिर कहे भिंडी बाजार का इलाका खस्ती और बेहाल इमारतों से भरा पड़ा है। आपको एक पहली तस्वीर दिखाते हैं, एक ऐसी ऊंचाई से जहां आपको पूरा मुंबई शहर दिखाई देगा। ये पूरा भिंडी बाजार है जहां कोई भी इमारत 60, 70, 80, 90 इन सालों से नीचे नहीं है। इतनी पुरानी है कि कभी भी गिर सकती है। दो खास बात, एक ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इस वक्त रफ्तार धीमी है क्योंकि मलबा काफी है, तंग गलियां हैं। मंगलवार की बारिश के बाद की हॉरर स्टोरी मुंबई में हर जगह है, लेकिन इस बारिश के दो दिन बाद आज दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार में जो बिल्डिंग गिरी उसमें भी सिस्टम हादसे का इंतजार ही कर रहा था। ये 117 साल पुरानी अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग थी। 21 लोगों की जान चली गई। इस बिल्डिंग में 13 फैमिलीज थी, उसमें से 12 रेसिडेंशियल थी और एक कमर्शियल थी। कितने लोगों को लेके? उसमें से 7 फैमिलीज हैड मूव्ड आउट और 5 अभी भी यहीं थे। और वो बिल्डिंग म्हाड़ा की थी, वो म्हाड़ा की जिम्मेदारी थी इसको बनाने का। यस, लेकिन नहीं बनाया। 120 साल पुरानी बिल्डिंग को आप लोगों ने छोड़ दिया। 117 साल पुरानी इस बिल्डिंग में 9 परिवार रहते थे। एक प्ले स्कूल भी इसमें चल रहा था। गनीमत थी कि बच्चे प्ले स्कूल में आए नहीं थे, नहीं तो क्या होता ये सोचकर ही डर लगता है। नेता मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब के सब मौके पर पहुंच गए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हाउसिंग, उनको हमने इसकी जांच करने के आदेश ये दिए हुए हैं, जिसके माध्यम से इसकी पूरी जांच की जाएगी। अगर इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोताही हुई है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। एक महीने में मुंबई में ये दूसरी बिल्डिंग गिरी है। 25 जुलाई को घाटकोपर में हादसा हुआ था, 17 लोग मारे गए थे। हादसा और मरने वाले सिस्टम के लिए सिर्फ नंबर बनकर रह गए हैं। सब बेशर्मी से हादसे का इंतजार करते हैं। भिंडी बाजार में गिरी बिल्डिंग को 6 साल पहले ही असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। 2011 में महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस दे दिया था। बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के लिए अथॉरिटी ने एनओसी जारी कर दिया था, लेकिन डेवलपर ने 6 साल में क्या किया, सिस्टम में क्या नजर रखी, आज सबने देख लिया। आज 21 लोग मारे गए, लेकिन इस बिल्डिंग पर न महाराष्ट्र अथॉरिटी के अफसरों को मतलब था, न उस ट्रस्ट और डेवलपर को मतलब जिसकी बिल्डिंग थी। सबको लगता है कि बिना जवाबदेही सब काम चल रहा है तो कोई फिक्र ही क्यों की जाए। लोग मरते हैं तो मरते रहें। मयूरेश गणपते, साहिल जोशी के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक। जब बिल्डिंग को गिराने को कह दिया गया था तो 6 साल क्यों लगाए? जब फाइनल अप्रूवल मिल गया था तो 1 साल क्यों लगा दिया?
मुंबई में एक महीने के अंदर दूसरी बार इस तरह की बिल्डिंग गिरी है और इन हादसों में 35 से ज्यादा लोग मारे गए। मुंबई में करीब 16,000 ऐसी इमारतें हैं जिन्हें असुरक्षित माना जाता है। मुंबई हाउसिंग अथॉरिटी ने 380 बिल्डिंग के लिए एनओसी जारी किया है, जिन 380 बिल्डिंग को रीडेवलप करके सुरक्षित मानकों के तहत तैयार किया जाए। आज जो बिल्डिंग गिरी है वो उन 380 बिल्डिंग में शामिल थी जिन्हें एनओसी मिली थी। इसका जवाब कौन देगा कि आखिर ऐसी मौत और हादसों का इंतजार कर रही ऐसी बिल्डिंग्स पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं होता? इसे हम लापरवाही, ढिलाई या गैर जिम्मेदारी रवैया नहीं कह रहे हैं, इसे हम क्रूरता कह रहे हैं, क्योंकि मुंबई में मंगलवार को हुई बारिश के बाद जो हॉरर स्टोरीज सामने आई हैं वो बताती हैं कि हम किस हद तक लापरवाह हो सकते हैं, जिसमें हमें अपने नागरिकों की जान की तो कोई परवाह ही नहीं है। मुंबई की बारिश के दौरान मैनहोल में गिर जाने वाले बॉम्बे हॉस्पिटल के मशहूर डॉक्टर दीपक अमरापुरकर की मौत बड़े सवाल खड़े कर रही है। मंगलवार की बारिश में मुंबई की जान पर बन गई तो इसके सबसे बड़े गुनहगार मुंबई को चलाने वाले ही हैं, क्योंकि बात सिर्फ बारिश की नहीं है, बात कोई जवाबदेही ना होने की है, बात बेफिक्री की है, बात ढिलाई की है, क्योंकि ऐसा ना होता तो कम से कम मुंबई की सड़कों पर लाखों लोग इतना परेशान ना होते। डॉक्टर दीपक अमरापुरकर जैसे लोगों की जान नहीं जाती जो मंगलवार को खुले मेन होल में गिर गए। ट्रैफिक में घंटों फंसे रहने के बाद डॉक्टर अमरापुरकर की गाड़ी दीपक टॉकीज से कुछ इसी तरफ से आई थी, जब अचानक उन्होंने सोचा कि बहुत देर से वो गाड़ी में बैठे हैं, उन्हें पैदल ही अगर वो चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और इसलिए वो वहां उतरे। थोड़ी दूर ही चले होंगे जब अचानक इस गटर, ये जो गटर आप देख रहे हैं फिलहाल बंद है लेकिन उस समय ये खुला हुआ था, और इसमें वो अचानक गिर गए। उससे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को फोन करके बताया था, इसलिए सबको पता था कि वो वहां से निकले हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था किसी को नहीं पता था। 58 साल के डॉक्टर दीपक अमरापुरकर बॉम्बे हॉस्पिटल में मशहूर लीवर स्पेशलिस्ट थे। लीवर की बीमारियों के वो बड़े रिसर्चर थे। 20 साल से बॉम्बे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे थे। 200 से ज्यादा रिसर्च पेपर लिख चुके थे, मेडिकल की किताबें लिख चुके थे। देश ही नहीं दुनिया में उनका नाम था। क्या कोई सिस्टम इस तरह से अपने नागरिकों की जिंदगी के साथ मजाक करता है? कितना क्रूर हो सकता है सिस्टम? मंगलवार को डॉक्टर दीपक अमरापुरकर हॉस्पिटल से अपने घर लौट रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि हालात बिगड़े हैं, इसीलिए जल्दी घर जाना उचित है। 2:30 बजे वो हॉस्पिटल से निकले, 7:30 बजे तक रास्ते में फंसे रहे। घर पर उन्होंने बात की और ये कहा कि अब वो गाड़ी छोड़कर पैदल आ रहे हैं। हर तरफ पानी भरा था तो डॉक्टर दीपक छाता लेकर पैदल ही चलने लगे, लेकिन इसके बाद से डॉक्टर दीपक का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सर्च टीमें लगाई गईं तो पता चला कि वो चलते चलते खुले मेन होल में गिर गए। 2 दिन बाद आज सुबह 6:30 बजे उनका शव वर्ली के एक नाले में मिला। कम से कम कमर के आसपास पानी था, इतना फोर्स में पानी जा रहा था कि थर्माकोल या कुछ भी बह के आता था वो अंदर चले जाता था, फिर बाद में बाहर उसको फेंक देता था, क्योंकि थर्माकोल डूब नहीं सकता था, वो बाहर आ जाता था। उसमें ऐसा उन्होंने जब अंदर गया तो लोग बचाने की बहुत कोशिश किए मगर उनको बचा नहीं पाए। इससे बड़ी क्रूरता सिस्टम की क्या हो सकती है जिसमें डॉक्टर दीपक अमरापुरकर की जान चली गई। घुटनों तक भरे पानी में सड़क पर खुले मेनहोल का किसे पता चलेगा? ये कोई हादसा नहीं, सिस्टम द्वारा की गई हत्या ही कही जाएगी, जिसके दोषी बीएमसी के वही लोग हैं जिन्हें आम लोगों की जान की कोई फिक्र नहीं है। एजाज खान, मुंबई आज तक। मंगलवार को मुंबई में 12 घंटे की बारिश औसतन 11 दिनों की कुल बारिश के बराबर थी। जाहिर है ऐसी हालत में अगर लचर सिस्टम होगा तो हालात बिगड़ ही जाएंगे। 2005 में मुंबई में एक घंटे के अंदर रिकॉर्ड 944 मिलीमीटर बारिश हुई थी और उसमें मुंबई डूब गई थी। 29 अगस्त को मुंबई में जितनी बारिश हुई वो 2005 की एक तिहाई ही थी, लेकिन इतनी ही बारिश ने जान निकाल दी। 2005 की बारिश से सबक लेते हुए ये कहा गया था कि अब मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन 12 साल बाद भी मुंबई ने कितना सबक सीखा हमने मंगलवार की बारिश में देख लिया। मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम हर घंटे 25 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त कर सकता है, जिसे बढ़ाकर 50 मिलीमीटर करने का टारगेट रखा गया था। इसके लिए 1600 करोड़ रुपए का अलग फंड रखने के बावजूद सिर्फ 40% काम पूरा हो सका है। सीवर और नालों की सफाई पर पिछले 3 साल में 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन ये रकम भी बेकार गई। नाकाम सिस्टम में अवैध निर्माण, अतिक्रमण, कचरे की वजह से हालात और बिगड़ जाते हैं जब भी सामान्य से अधिक बारिश होती है। और ये सब सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है, हमारे हर बड़े शहर की कहानी है।
ये है हमारे सपनों के शहर जो बारिश में घुटने टेक देते हैं। और ये सिर्फ मुंबई का नहीं, करीब करीब हर उस बड़े शहर का हाल है जिसके पास पैसे की कमी नहीं, जिसके पास लोगों की कमी नहीं, जिसके पास कमी है तो सिर्फ कुछ करने की। क्योंकि अगर बारिश बाढ़ से जीत नहीं सकते तो कम से कम इससे लड़ने की तैयारी तो कर ही सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसा होता है सिस्टम सरेंडर कर देता है। 2005 में एक घंटे में 944 mm बारिश हुई थी, जबकि 12 घंटे में मुश्किल से 320 या 325 mm बारिश हुई है। 12 साल हो गए उस हादसे को। अगर बीएमसी ने नालों के रुंदीकरण का, उसको चौड़ा करने का जो प्रोजेक्ट है ब्रिमस्टो वार्ड, उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से लागू किया होता तो पानी की निकासी और तेजी से हो सकती थी। जितनी बारिश ने मुंबई में त्राहिमाम मचा दिया, उतनी ही बारिश चंडीगढ़ में अभी 21 अगस्त को हुई थी, जिसे देश का सबसे योजनाबद्ध सुनियोजित शहर कहा जाता है। 10 लाख की आबादी वाले चंडीगढ़ में लोगों को घर तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। मुंबई की तरह ही सड़कों पर गाड़ियां छोड़कर लोग पैदल घर जा रहे थे। अगर सबसे सुनियोजित शहर का सिस्टम फेल है तो फिर सब कुछ भगवान भरोसे ही है। अफसोस यह है कि बड़ा शहर कोई भी हो, तैयार कोई नहीं दिखता। शहर को इमरजेंसी से बचाने के लिए सिस्टम लाचार दिखता है। 2015 की चेन्नई में आई बाढ़ की तस्वीरें आपको याद होंगी। चेन्नई के उन इलाकों और घरों तक पानी घुस गया था जहां कभी पानी आता ही नहीं था। पूरा सिस्टम फेल हो गया था। इस तबाही में 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। मुंबई हो, चंडीगढ़ हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो या फिर गुड़गांव हो, बेंगलोर हो या फिर अहमदाबाद हो या फिर अगरतला ही क्यों न हो, देश में जिधर भी जिस भी शहर में चले जाइए, एक बार ज्यादा बारिश हो जाए तो सिस्टम का पसीना निकल आता है। लोगों के लिए तो खैर आंसू निकाल देने वाले हालात होते हैं। मुंबई में मंगलवार की बारिश को 2005 की बारिश से लोग याद करते हैं, लेकिन ये बारिश 2005 की बारिश की सिर्फ एक तिहाई थी। इसी में मुंबई की जान निकल गई। अगर 2005 जैसी बारिश होती तो पता नहीं क्या हो जाता। किसी भी आपात स्थिति से हमारे शहरों का सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। सिस्टम चलाने वाले दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन ये भी इतने बेशर्म हो चुके हैं कि हर साल वही बातें करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि मौसमी हो हल्ले के बाद सब भूल जाते हैं। इसके बाद फिर अगले हादसे और अगली इमरजेंसी का इंतजार किया जाता है। आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का है। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, ये कहावत जिसने भी पहली बार कही होगी यही सोचकर कही होगी कि बकरे की किस्मत में कटना ही लिखा होता है। और अब तो बकरीद आ रही है, यानी लाखों बकरों की जान पर बनाई है। लेकिन अब की बार बकरीद पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बकरों को कुर्बानी से बचाने की मुहिम छेड़ दी है, जिसे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का खुला समर्थन हासिल है, जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके बकरों के हित में मुसलमानों को केक काटकर बकरीद मनाने के लिए राजी करने की कोशिश में जुटे हैं, जिसे लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं की भावनाएं दो विचारों में बट गई हैं। बकरीद से एक दिन पहले बकरों की कुर्बानी को लेकर किस तरह का धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है, ये आपको दिखाते हैं। क्यों जानवरों को काट रहा, क्यों खाना, मेरे समझ ही नहीं आ रहा। तो सारे जानवर बराबर है, इस बकरी को भी इसका अधिकार तो मिलना ही चाहिए। बकरीद से दो दिन पहले हिंदू महासभा ने बकरों की प्राण रक्षा का प्रण उठा लिया है। अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के दफ्तर में इन दिनों ये बकरा सभी के आकर्षण का मुख्य केंद्र है, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की छत्र छाया में बकरीद पर अपनी जान की खैर मना रहा है। बकरा बेजुबान होता है, इसीलिए हिंदू महासभा ने समस्त बकरा समुदाय के मन की बात उसके तन पर जगह जगह छाप दी और समस्त बकरा जाति की तरफ से अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे मुसलमानों से चॉकलेट का बकरा काटकर बकरीद मनाने की विनती कर रही हैं। बकरीद पे आप चॉकलेट का बकरा बनवाइए, आप केक बनवाइए, एक दूसरे को आदान प्रदान कीजिए और उसको काट के खाइए, ये ज्यादा अच्छा है ना कि आप किसी की जान लें। ये तो बड़ा ही मस्त आइडिया है, मुसलमानों की बकरीद भी मन जाएगी और बकरे अपनी खैर भी मना लेंगे। आखिर अखिल भारतीय हिंदू महासभा को इतना इको फ्रेंडली आइडिया आया कहां से?
जरा ये भी सुन लीजिए। जैसा कि इको फ्रेंडली दिवाली की बात होती है, विज्ञापन बहुत आते हैं, टीवियों पे आते हैं, इको फ्रेंडली होली की बात होती है, तो क्या बकरे काटने से प्रदूषण नहीं होता है, पानी का क्या बर्बादी नहीं होती है? इसी परिपेक्ष में मैंने कहा है कि आप इको फ्रेंडली बकरीद की मैं जो है ये डिमांड कर रही हूँ अपने मुस्लिम भाइयों से। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे मुसलमानों को बकरीद पर इको फ्रेंडली ईद मनाने की सलाह दे रही, लेकिन शायद मन ही मन उन्हें पता था कि उनकी सलाह पर कोई ध्यान नहीं देगा, इसीलिए अचानक ही उनके गुजारिश वाले लहजे से मुस्लिम भावनाओं के प्रति लिहाज का मीटर अचानक शेयर बाजार की तरह क्रैश होने लगा। तो बधाई के साथ साथ ये आह्वान करना चाहती हूँ कि आप इंसान सबसे पहले हैं, कुरान में भी इंसानियत सबसे पहले सिखाई गई है निर्जीव की हत्या करना नहीं। मोहम्मद साहब ने अपने बेटे की बलि दी थी ना कि बकरे की, अगर आप में ये जज्बा है तो बेटे की बलि दीजिए, और बेजुबान और बेकसूर बेटे की भी क्यों देंगे, जरूरत क्या है? कुर्बानी देनी है तो आप अपने गंदे विचारों की दीजिए, आप कुर्बानी दीजिए इस शुभ दिन पर कि आप शराब नहीं पिएंगे, आप गुटखा छोड़ देंगे, आप अय्याशी छोड़ देंगे, आप आतंकवाद छोड़ देंगे, दीजिए ना कुर्बानी, और इस कुर्बानी के साथ जो है अपने घर में केक काटिए। देश में बकरीद पर बकरे की कुर्बानी पर सिर्फ हिंदू महासभा ही चिंतित नहीं है, लखनऊ में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकरे की कुर्बानी का पुरजोर विरोध किया है और अपने मुसलमान भाइयों को बेजुमान बकरे की जगह केक काटने की सलाह दी है, यानी कुर्बानी नहीं अब बकरे का जन्मदिन मनाइए। मैं अपील ये कर रहा हूँ कि जब पिछले साल बकरीद में मिल्क केक का बकरे का आकार बना करके जो हमने आपस में तस्लीम किए थे, एक संदेश दिए थे कि कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, हो तो बुराई की हो, जो व्यक्ति शराब पी रहा उसकी कुर्बानी हो, बस ये है संदेश देना चाहते हैं कि पशु पक्षी पे कूदना ठीक नहीं। बकरीद इस्लाम धर्म का प्रमुख और बड़ा त्यौहार है, लेकिन अब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने तीन तलाक की तरह ही बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी को एक कुरीति घोषित कर दिया है और इसके लिए कुरान और हदीस का हवाला भी दिया है। क्या आरएसएस से जुड़े हुए हैं? नहीं, आरएसएस का लेकिन आज तक तो तमाम देशों में या हर जगह कहीं ना कहीं जानवर की ही कुर्बानी देखने को मिली। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ा विषय मैंने प्रारंभ में ही कहा, अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हम मोहब्बत करते हैं तो उन्होंने बेटे की कुर्बानी दी थी, तो बेटे की कुर्बानी दो, अगर तुम में तुम्हारा सत्कार या तुम्हारे ज्यादा वो होगा तो तुम्हारा भी बेटा बच जाएगा, कुर्बानी जायज नहीं है। जब से इस्लाम मजहब आया है तब से बकरीद पर बकरे की कुर्बानी का इतिहास है, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अब की बार मामला अलग है, देश बदल रहा है, देश के विचार बदल रहे हैं और मुसलमानों में भी कई ऐसे लोग हैं जो पाला बदल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि बकरीद पर जो मुसलमान चाहेगा वो बकरे की बलि देगा और जो नहीं चाहेगा वो बलि नहीं देगा, ये उसका फैसला होगा, किसी दूसरे का नहीं। कोई भी अगर ये कहे कि कुरान में कुर्बानी का तस्करा नहीं है, ये बात बिल्कुल भी गलत है। कुरान में अल्लाह ने तफसीर से कुर्बानी का तस्करा किया है। इस मुल्क में पूरी आज़ादी के साथ, पूरी आन बान शान के साथ मुसलमान अपने कुर्बानी के इस फरीजे को अदा करता है, अंजाम देता है, इंशाल्लाह इस बार भी देगा। 2-3-4-3 सितंबर को कुर्बानी होगी और मुसलमान उन जानवरों की हरगिज़ कुर्बानी नहीं करता है और ना इंशाल्लाह करेगा जिन पर कि कानूनी तौर पर रोक लगी हुई है। खाली इस्लाम मजहब की बात नहीं है, हर धर्म में हर मजहब में कुर्बानी दी जाती है और हिंदू मजहब में भी बलि दी जाती है, लिहाजा इनका ये फैसला और ये कहना कि इस बार कुर्बानी न की जाए ये बिल्कुल गलत है, मैं इसको पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं इसको कंडम करता हूँ। ये एक चीप पॉपुलरिटी की बात है और कुछ नहीं है, और बकरीद के अंदर जो बाकायदा एक सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम कंट्रीज हैं और सारे मुल्क हैं, वो कुर्बानी का सिलसिला होता है और उसमें कुर्बानी होती है और वही सबसे सही और बेहतर है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संगठन है, जिसके मंच पर कई मौलवियों ने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए पूरे देश में बकरीद पर गाय की कुर्बानी न देने के संदेश का प्रसार लेने की शपथ ली थी, लेकिन अब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच गाय के साथ साथ बकरे की बलि के खिलाफ हो गया है। मुस्लिम धर्म गुरु गाय की बलि न देने से सहमत है, लेकिन बकरे की कुर्बानी पर बैन उन्हें किसी कीमत पर मंजूर नहीं। गाय की तो देखिए बिल्कुल सही बात है, हम नहीं चाहेंगे कि अगर गाय से किसी की आस्था है तो उसकी तरफ जो है किसी को नज़र उठा के नहीं देखना चाहिए, उसको काटना नहीं चाहिए। जहाँ तक मैं उनके बात करूँ, ये मुस्लिम मंच जो है चाहे इसका संरक्षण जो है वो स्वयं सेवक संघ आरएसएस कर रहा हो या कोई भी कर रहा हो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय मंच है
इसकी क्या क्वालिटी है। तो ये जो मंच में बैठे थे ये खूब कायदे से गोश्त खा भी रहे हैं, बकरीद के दिन कुर्बानी भी कराएंगे, गोश्त बांटेंगे भी, गोश्त लेंगे भी। बकरीद पर बकरा कुर्बान हो तो मुसलमान खुश होते हैं, बकरीद पर बकरा कुर्बान ना हो तो हिंदू खुश होते हैं। लेकिन बकरीद पर बकरा कुर्बान हो या ना हो, खुदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि खुदा तो तब खुश होता है जब बकरीद के बहाने इंसान सच्चाई की राह में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यही है बकरीद का मकसद। और ज्यादातर लोग समझते हैं कि बकरीद का त्योहार बकरा काट कर खाने का दिन होता है। अलीगढ़ से मोहम्मद अकरम के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। बकरीद पर बकरे की कुर्बानी देना मुस्लिम धर्म की आस्था का विषय है। आस्था के आगे तर्क का कोई तीर नहीं चलता, इसीलिए हमें लगता है कि बकरीद पर बकरे की कुर्बानी दी जाए या न दी जाए ये मुसलमानों के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। हम धर्म के इतने बड़े जानकार नहीं है कि इस मामले पर अपनी राय प्रकट करें, इसीलिए हम इस मामले में सिर्फ तथ्यों के बारे में बात करेंगे। और एक तथ्य ये है कि इस्लाम के मुताबिक जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देने का हुक्म दिया तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की बलि देने का फैसला किया था। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय उनकी भावनाएं आड़े आ सकती हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। कुर्बानी देने के बाद जब उन्होंने आंखों की पट्टी हटाई तो देखा कि उनका बेटा जिंदा है और बेटे की जगह एक भेड़ की बलि चढ़ी हुई है। तभी से बकरीद पर बकरे की कुर्बानी देने की प्रथा है। बकरीद से जुड़े नियमों के बारे में हमने कई मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात की और बकरीद की मान्यताओं के बारे में रिसर्च की, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि बकरीद के मौके पर बकरे की कुर्बानी एक प्रतीकात्मक कुर्बानी होती है। ये जरूरी नहीं कि हर किसी को बकरीद पर बकरे की कुर्बानी देनी होती है। बकरीद में अपनी सबसे अजीज चीज यानी इच्छाओं को कुर्बान करने का पैगाम खुदा ने दिया है। जानकारों के अनुसार कुरान में बताया गया है कि अल्लाह के पास हड्डियां, मांस और खून नहीं पहुंचता बल्कि कुर्बानी का जज्बा पहुंचता है। बकरीद पर बकरे की कुर्बानी देने की एक शर्त यह भी है कि कुर्बानी देने वाले शख्स के ऊपर किसी तरह का कर्ज नहीं होना चाहिए, यानी उधार लेकर बकरे की कुर्बानी देना कुरान में मना किया गया है। कुरान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी कमाई का 2.5% हिस्सा दान देता है या सामाजिक कार्यों में कुर्बान करता है तो यह जरूरी नहीं कि वो बकरे की कुर्बानी दे। इस्लाम के जानकारों की राय के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कुरान में बकरे की कुर्बानी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, बल्कि कुर्बानी का मतलब सबसे प्यारी चीज अपने खुदा को देना है। और सबसे प्यारी चीज गंदी आदतें हो सकती हैं। अगर कुर्बान करना ही है तो गंदी आदतों को कुर्बान करना चाहिए, क्योंकि बकरे की कुर्बानी से खुदा खुश होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गंदी आदतें कुर्बान करने से इंसान को खुशी का अनुभव जरूर होता है और यही खुदा के खुश होने का सबूत होता है। बकरीद पर बकरे की कुर्बानी को लेकर शुरू हुआ विवाद बेहद संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि इससे मुस्लिम समाज की आस्था जुड़ी है। अगर बकरीद पर बकरे की कुर्बानी देना गलत है तो यह बात मुसलमानों को खुद समझनी चाहिए, और वैसे भी किसी पर कोई नियम जबरदस्ती से नहीं थोपा जा सकता। वैसे तो लोग बकरीद पर बकरे की कुर्बानी पर अपनी आपत्ति जता रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। उनके लिए हमने देश के लोगों में मांसाहारी प्रवृत्ति से जुड़ी जानकारियां ढूंढी हैं। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के सर्वेक्षण से खुलासा हुआ है कि भले ही भारत को दुनिया में सबसे बड़े देश के तौर पर प्रचारित किया जाता हो, जहां पर कोई भी नॉनवेज नहीं खाता यानी वेजिटेरियन पॉपुलेशन वाले सबसे बड़े देश के तौर पर प्रचारित किया जाता हो, लेकिन देश की बहुत बड़ी आबादी अपनी धार्मिक मान्यताओं के बावजूद मांसाहार अपना चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार देश की करीब 71% आबादी मांसाहारी है, यानी देश के सिर्फ 29% लोग शाकाहारी हैं। नवरात्र, मंगलवार और अन्य हिंदू त्योहारों पर मांस, मछली और अंडों की बिक्री में आने वाली भारी गिरावट इसी बात का सबूत है कि देश की हिंदू आबादी बड़े पैमाने पर मांसाहार करती है। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि सरकारी रिपोर्ट बता रही है। आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना में मांसाहारियों की संख्या सबसे ज्यादा है, जहां 98.7% लोग अंडा, मांस, मछली खाते हैं। मांसाहार करने वाली आबादी के लिहाज से पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है, जहां 98.55% लोग मांसाहार करते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 98.25%, उड़ीसा में 97.35%,
केरल में 97% लोग मांसाहारी हो चुके हैं। जाहिर है भारत में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है जो मांसाहार करते हैं, बाकी धर्म संप्रदाय के लोग भी मांसाहार के शौकीन हैं और कोई इसे गलत भी नहीं कह सकता, क्योंकि कोई क्या खाए ये उसकी निजी पसंद है, कोई किसी के खान पान को कंट्रोल नहीं कर सकता और इस मुद्दे पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे मौका बकरीद का हो या कोई आम दिन। ये सही है कि बकरीद पर कोई बकरे की कुर्बानी दे या न दे ये उसे खुद तय करना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि वक्त के साथ बदलाव एक अच्छी बात होती है। ऐसे में हमारा एक सुझाव है कि क्यों ना ऐसी प्रथा शुरू की जाए जिसमें कई सारे लोग इकट्ठा होकर सिर्फ एक ही बकरे की कुर्बानी दें, आपस में बांट लें। इससे बर्बादी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी, किसी की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचेगी और बकरीद का मकसद भी पूरा हो जाएगा। हमारा आइडिया अगर अच्छा लगा हो तो आप ना कर देखिए। वैसे हमारी तरफ से आप सभी को एडवांस में बकरीद मुबारक। बलात्कारी बाबा राम रहीम अब जेल में बंद है, उसकी अय्याशी के किस्से अब दुनिया के सामने एक एक करके खुल रहे हैं। पुलिस एक एक करके राम रहीम के अय्याश लोग पर छापे मार रही है। पहली बार बलात्कारी बाबा की अय्याशी के अड्डों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज हम आपको राम रहीम के अधर्म के अड्डे में लेकर चलेंगे जिसके 5-स्टार होटल्स की भव्यता भी फीकी पड़ जाएगी। आज आप पहली बार देखिए बलात्कारी बाबा राम रहीम की वो बलात्कारी गुफा जिसमें वो मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। खुल गया बाबा का सबसे बड़ा सीक्रेट, यह है राम रहीम की अय्याशी का अड्डा, जहां गुलाबी रातें बिताता था बाबा। आज बाबा की अय्याशी का ताजमहल देखिए। बाबा के रहस्य लोक का एफिल टावर भी देखिए। बाबा के गुनाहों की एलिफेंट बिल्डिंग का राज खुल गया। बाबा इस वक्त जेल की काल कोठरी में अपने पापों की सजा भुगत रहा है, लेकिन बाबा ने जिस तरह से जिंदगी के मजे लिए हैं, बेहिसाब अय्याशी की है, अब उसका पर्दाफाश हो रहा है। बाबा के गुनाहों का ताजमहल, एफिल टावर, डिज्नीलैंड सब खुल रहा है। आज हम आपको बाबा का वो रहस्य बताने जा रहे हैं जो इससे पहले ना आपने सुना है न देखा है। अय्याशी के इस गढ़ में बाबा और हनीप्रीत के अलावा किसी की डायरेक्ट एंट्री नहीं थी। तो चलिए सबसे पहले आपको बाबा के ताजमहल में लिए चलते हैं। बहुत दिन से चर्चाएं आम थी कि बाबा का डेरा अंदर से कैसा है, तो आज आप बस देखते के देखते ही रह जाएंगे। ये है बाबा का ताजमहल। वो मुमताज कौन है जिसके लिए बाबा ने ये ताजमहल बनवाया, उसके बारे में खुलासा करें, उससे पहले उसकी भव्यता को देख लीजिए। लेकिन ये ताजमहल कोई मकबरा नहीं, बल्कि बाबा की अय्याश गाह है, यानी ताजमहल विला। इसके अंदर बाबा का सीक्रेट रूम है जिसमें बाबा गुलाबी रातें बिताता था। जैसे ही राम रहीम ताजमहल में दाखिल होता, बेड पर लाल रंग की या फिर गुलाबी रंग की चादर बिछा दी जाती थी। सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते थे। हम आपको बता दें कि बाबा अपने इस सीक्रेट रूम में गोल बेड पर 10 लाख के विदेशी गद्दे पर लेटता था। कम से कम 40x40 का बड़ा बेडरूम था और जिसमें बड़े बेड थे, गोल बेड वहां पर उन्होंने लगाए थे। उसमें जो विदेशों से बड़ा गद्दा आता, कम से कम 5-10 लाख रुपए का, जो उसपे उन्होंने गद्दे वगैरह रखे थे। और उसके साथ ही एक बड़ी चेयर थी जिसमें शेर की उन्होंने दिखा दिखती थी, शेर की, उसपे गोल्ड लगा हुआ था। उसमें गुरमीत राम रहीम जी बैठते थे और जो खाना खाते थे वो चांदी के बड़े बर्तन थे, जहाँ सेट उन्होंने बनाए हुए थे जिसमें वो खाना खाते थे। बाबा का ये ताजमहल का तिलिस्मी दरवाजा या तो बाबा की उंगलियों के निशान से खुलता था या फिर बाबा की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत के फिंगरप्रिंट से। बाबा यहाँ फुल अय्याशी करता था, लिहाजा ताजमहल विला को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी में रखा जाता था। बाबा के ताजमहल विला में लग्जरी स्विमिंग पूल है, तो सिक्योरिटी ग्लास लगे हुए हैं। ताजमहल में 10 लग्जरी स्वीट और बाकी 32 लग्जरी कमरे हैं।
दरवाजा उसमें बड़ा दरवाजा था और जैसे अपने आप खुलता था, जब गुरमीत राम जी उसको फिंगर प्रिंट में जैसे खुलता है वो लगाते थे वो तब खुलता था, तो वो फिर दरवाजा खुल के आगे अंदर जा सकते थे। वैसे उसमें कोई नहीं जा सकता था, जैसे जहाँ हनीप्रीत का उसमें जो जिस दो लोगों के जो आया मुझे भी, वो दो लोगों की वहां पे फिंगरप्रिंट से वो खुलता था और उनको कोई खोल नहीं सकता था। उसमें एक साइड पे स्विमिंग पूल है जो गुरमीत राम जी के लिए बना हुआ था और उसमें कोई नहीं जा सकता था, उसके साथ ही उनका बड़ा बाथरूम था। और ये देखिए बाबा के रहस्यमयी डेरे की एलिफेंट बिल्डिंग। इस एलिफेंट बिल्डिंग में बाबा राम रहीम अपने कुछ खास और सुंदर साध्वियों को लेकर आता था और उनके साथ अय्याशी करता। इसी एलिफेंट बिल्डिंग से बाबा डेरे में बने इंटरनेशनल स्टेडियम में चल रहे मैच का नजारा भी देखता था। ये जो आप बाबा के डेरे के अंदर दुनिया के अजूबों वाली इमारतें देख रहे हैं, ये सब बाबा के रिजॉर्ट का हिस्सा है जिनमें बाबा तरह तरह के अय्याशी करता और इनसे कमाई भी करता था। बाबा के रिजॉर्ट में 58 कमरे हैं जिनमें से 16 आलिशान विला हैं, जिन्हें अलग अलग शेप दी गई हैं। किसी को एफिल टावर, किसी को ताजमहल, किसी रूम को डिज्नीलैंड जैसा आकार दिया गया है। इन्हीं विला के अंदर स्विमिंग पूल, जकूजी, स्पा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बाबा के रिजॉर्ट में 5 कैटेगरी के रूम हैं। प्रीमियम रूम जिसका किराया 3200 प्लस टैक्स, सुपर प्रीमियम रूम का किराया 5500 प्लस टैक्स, स्वीट वंडर विलास 30,000 रुपए और थीम रॉयल विलास का किराया 1,25,000 रुपए है। एक मीटिंग हॉल था, बड़ा बड़ा अच्छा मीटिंग उन्होंने हॉल बनाया था जहाँ कॉर्पोरेट की मीटिंग होती थी, जहाँ हनीप्रीत मीटिंग लेती थी, जैन की जो चेयरमैन थी वो मीटिंग लेती थी। तो फिर उसके बाद मीटिंग लेने के बाद जो सारा कुछ गुरमीत राम रीन जी को बताया जाता था तो फिर उनकी जरूरत होती थी तो वो भी उस मीटिंग में आके उन लोगों को मिलते थे। बताया जाता है कि इस सारी शानो शौकत को राम रहीम अपनी अय्याशी के साथ साथ अपने फिल्मों के गानों की शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल करता था। कल तक जो बाबा करोड़ों रुपए की आलीशान गुफा में रहता था और जिसके एक इशारे पर लाखों लोग नतमस्तक हो जाते थे, वो बाबा अब सुनारिया जेल की एक छोटी सी बैरक में बंद है और उससे सिर्फ 10 लोग मिल पाएंगे, वो भी महीने में कभी कभार समय लेकर। इसे समय का फेर कहें या कुछ और, कि बाबा को उन लाखों लोगों की बद्दुआ लगी है जिनके पैसे पर बाबा ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। कैमरामैन मनोज सांगवान के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।